कुशध्वज की भार्या साध्वी मालवती ने को जन्म दिया जिसका नाम वेदवती था। कन्या सुतिका गृह से बाहर निकल आई। जन्म लेते ही कन्या वेद ध्वनि करने लगी। विधिवत स्नान ध्यान करने के उपरांत तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ी। सभी ने रोकने का प्रयास किया पर वेदवती ना रुकी। तपस्विनी कन्या ने एक मन्वंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर कठोर तप किया किंतु दुर्बल नहीं हुई अपितु स्वस्थ थे और नवयौवना से संपन्न हो गई। गंधमादन पर्वत पर अपना स्थान बनाकर रहने लगे। ओम नमो नारायण। शक्तियां प्राप्त करने के बाद रावण ने मैदानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत की। दैत्यपति विरोचन की दोहित्री वज्रबाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह रचाया। वे गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री शर्मा से विभीषण का विवाह रचाया जिससे दोनों प्रबल और प्रतिष्ठित कुल भी रावण के संबंधी बन गए। राक्षस जाति का भली भांति संगम करके रावण रक्ष संस्कृति का अभीश्वर बन गया और अपने को समुद्र का रक्षक घोषित कर राक्षेंद्र की उपाधि से सुसज्जित किया। अपने बाहुबल से लंका प्राप्त कर और अन्य द्वीपों पर अधिकार कर लिया। सप्त द्वीपों का महास्वामी बन गया जिसके अंतर्गत यमनद्वीप, सुमात्रा, मलाया, कुशद्वीप और मेडागास्कर आदि 7 महाद्वीप और अन्य छोटे छोटे द्वीप समूह आते हैं। उनका स्वामी बन बैठा लंकेश रावण। अपनी सभी संपदाओं के रहते जननी पद तब तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उसका संसर्ग महत बुद्धि तत्व ब्रह्म से विलीन नहीं हो जाता। हे प्राणेश विष्णु, इस वेदवती की तपस्या कब समाप्त होगी? उसकी प्रतीक्षा कब समाप्त होगी? सती जगदम्बा अपने पिता के यज्ञ कुंड में भस्म हुई और तब पार्वती रूप में जन्म लिया और फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। प्राणेश, मुझबला में अब इतनी शक्ति नहीं कि मैं उमा की तरह और प्रयास कर सकूं। आपसे मेरी बस यही विनती है कि आप शीघ्र यहां पधारें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। रति स्वरूप सौंदर्य कामायनी मनमोहिनी। अरे सुंदरी, क्या कर रही हो? क्यों अपनी कोमल काया को तपस्या की अग्नि में कष्ट दे रही हो? मैं रावण लंकेश्वर दशानन रावण तुम्हारा अभिसार स्वीकार करता हूं। उत्सुक हूं मैं तुम्हें पाने के लिए। मुझे छूने का प्रयास ना करना अभिमानी दानव। तुम मेरे विधाता भगवान विष्णु को नहीं जानते। अरे सुंदरी, क्या मानव दानव के चक्रव्यूह में फंसी हो और अपने सौंदर्य को बर्बाद कर रही हो? मैं ऋषि पौत्र हूं, ऋषि पौत्र, और तुम्हारे वरण का पात्र हूं। सच? नहीं, कदापि नहीं। मेरा वरण मेरे पिता ने स्वयं विधाता के साथ निश्चित किया। तुमने उत्तम कुल में अवश्य जन्म लिया है परंतु अपने अहंकार और कर्मों के कारण सुसंस्कृति को कुकृति में बदल दिया है।
वेदों शास्त्रों के ज्ञाता को एक वन में रहने वाली सोन चिड़िया जीवन का रास्ता दिखाएगी। नहीं मनमोहनी, तुम मातृ सत्ता में नहीं जीवित हो, ये पुरुषों का युग है, पुरुषों का। यहां पर स्त्रियों का भविष्य पुरुष स्थापित करते हैं। आ जाओ परंपरागत, मेरे अंग लग जाओ। नहीं, सावधान। यदि एक पग और निकाला तो मैं अपने आप को यही भस्म कर लूंगी। मेरे अंग लग जाओ। मेरी बात तो सुनो। सुनो, मैं बहुत व्याकुल हूँ। अभिमानी दानव, तूने इस देह को छूकर अपवित्र किया है, परंतु याद रखना, मैं फिर से जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। सुदशरथ अजर बिहारी।